हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल। इसमें मैं आपको बताऊंगी अगर आप न्यूली मैरिड हैं या किसी गेट टुगेदर में जाना चाहते हैं तो किस तरह का मेकअप आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने फेस वॉश कर लिया है, इसके बाद मैंने अप्लाई किया है टोनर, प्लम का टोनर यूज़ किया है मैंने। इसके बाद फेस को करेंगे अच्छे से मॉइस्चराइज। मैंने यूज़ की है अपनी फेवरेट पॉन्ड्स एज मिरेकल डे क्रीम। ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, एक पिंकिश ग्लो देती है आपके फेस को। मैं इसे पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये काफ़ी पसंद है। यूज़ करेंगे प्राइमर, ये है स्विस ब्यूटी का सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर और ये मैंने रिसेंटली परचेज किया है और ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। ये आपके पोर्स को ब्लर आउट कर देता है और जो आपकी स्वेटिंग की प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक कम करता है। हमने टी जोन एरिया में और जहाँ पे आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है वहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको। इसके बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं ये शुगर कॉस्मेटिक का फाउंडेशन ले रही हूँ, ये है 24 आवर फाउंडेशन और इसमें मिक्स करूँगी मैं ये शुगर की इल्यूमिनेटिंग क्रीम, जिससे काफ़ी एक सटल सा ग्लो आ जाता है आपके बेस पे। इसको हम ब्लेंड करेंगे ये ब्लेंडर की हेल्प से। ब्लेंडर आपको ड्राई नहीं यूज़ करना है, आपको इसको पानी में डिप करना है, स्क्वीज करना है। ये मेथड आपको 5 से 6 बार करना है तब आपका ब्लेंडर साइज में डबल हो जाएगा, उसके बाद ही आपको ब्लेंडर यूज़ करना है। तो हम डैबिंग मोशन में इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फेस पे हमने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है, इसके बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे अपने नेक एरिया पे और एयर्स पे, ताकि दोनों जगह की स्किन जो है इवन लगे फेस के मुकाबले। इसके बाद मैं यूज करूंगी कलर करेक्टर, ये है इनसाइड कॉस्मेटिक का कलर करेक्टर NC6 टेंगी ऑरेंज शेड। तो जहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स हैं और डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी इसको। मुझे जहाँ पे कलर करेक्शन की जरूरत थी वहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है इसको और 1 मिनट के लिए सेट होने देंगे इसको और इसके बाद इसके ऊपर से अप्लाई करेंगे कंसीलर। ये है ब्लू हेवन का कंसीलर, ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है और अफोर्डेबल भी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और जहाँ पे भी मेरे डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी इसको और जहाँ पे भी मेरे डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पे, और इसको फिर अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम। वो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से डैबिंग मोशन में। आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो जो आपका प्रोडक्ट है वो सारा निकल जाएगा। अंडर आई एरिया को हम सेट करेंगे लूज पाउडर से। मैंने लिया है यहाँ पे पैक का लूज पाउडर और इससे जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया था वो एरिया को हम सेट कर लेंगे। अब हम करेंगे फेस को कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का पैलेट, ये मेरा फेवरेट पैलेट है क्योंकि इसमें आपको आई शेडो और हाइलाइटर के साथ साथ ब्लश और कॉन्टोर भी मिल जाता है, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ ट्रैवल फ्रेंडली भी है और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये। मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ और आप ये देख सकते हैं इसका हाइलाइटर तो ऑलमोस्ट टूट के ख़त्म हो गया है और कॉन्टोर भी ख़त्म होने वाला है। मैं इसे काफ़ी यूज़ करती हूँ, मुझे ये काफ़ी पसंद है और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और हम करेंगे फेस को कॉन्टोर, इससे फेस में थोड़ी सी शेप आ जाती है, जो आपके चबी चिक्स हैं वो शो नहीं होंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसको। मैं अपना नोज़ कभी भी कॉन्टोर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नोज़ कॉन्टोरिंग इतनी समझ आती नहीं है, तो मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती उससे। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का ब्लश, ये है पिची केन और काफ़ी अच्छा ब्लश है ये, एक सटल सा ग्लो देता है आपके फेस पे। बिल्कुल हल्के हाथों से अप्लाई करेंगे हम ताकि ये ओवर ना लगे। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर। तो हाइलाइटर के लिए मैंने लिया है ये शुगर कॉस्मेटिक का जेली हाइलाइटर 01 गोल्ड।
और काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है ये, पार्टीज फंक्शन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बट आपको ये जल्दी से ब्लेंड करना पड़ेगा, ब्लेंड करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है इसको क्योंकि ये जल्दी से जम जाता है, तो जैसे ही आप अप्लाई करें आपको तुरंत उसे ब्लेंड करना है। मुझे चाहिए फेस पे थोड़ी और शाइन, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का कॉन्टोर हाइलाइटर। ये मिनी हाइलाइटर है इन द शेड 04 रॉयल रोज। तो इसको अप्लाई करूँगी मैं अपने चिकबोन पे, नोज पे और चिन एरिया पे। हाइलाइटर मुझे बहुत पसंद है, आपकी स्किन एकदम शाइनिंग शाइनिंग दिखती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। यू कैन सी द फेस मेकअप इज डन। अब हम इसे सेट करेंगे सेटिंग स्प्रे से। मैंने लिया है मेकअप प्रेप प्लस प्राइम सेटिंग स्प्रे, काफी अच्छा सेटिंग स्प्रे है ये। अब है बारी आई मेकअप की। आई मेकअप बिल्कुल ही सिंपल रखने वाली हूं मैं, तो सबसे पहले हम अपनी करेंगे आईब्रो फिल। उसके लिए मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर। एक साइड आईब्रो बिल्कुल सही से फिल हुई है, एक साइड पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, एक लाइनर अच्छा लगता है एक नहीं लगता है। आई मेकअप इज रियल स्ट्रगल। ओके, तो आई शेडो के लिए यूज कर रही हूँ मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट। आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल से शेड है इसमें। तो सबसे पहले मैं चूज करूंगी ये ब्राउन कलर का शेड जिसे मैं अपनी पूरी आईलिड पे प्लेस करूंगी। ये मैंने लिए है आई शेडो स्पॉन्ज जो कि यूज एंड थ्रो है, ये मैंने नायका से परचेज किए थे। अब मैं कॉर्नर्स पे लगाने वाली हूँ ये वाला डार्क शेड, ये डार्क ब्राउन शेड है। इसके बाद मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूंगी ये शिमरी शेड। अपनी आईलिड पे प्लेस करूंगी मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथ से। ये है आपका सिंपल इजी आई मेकअप। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी काजल। काजल के लिए मैंने लिया है शुगर का काजल, ये है ब्लैक वेलवेट। इसके बाद लगाएंगे हम आईलाइनर। लाइनर के लिए मैंने लिया है शुगर का लाइनर, तो एक पतला सा लाइनर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो कि कभी लगता नहीं है, हमेशा मोटा हो जाता है लाइनर बिना। मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ मैक का 3D मस्कारा, ये मिनी मस्कारा है। ये अच्छे से वॉल्यूम करता है आपके लैशेस को। लिपस्टिक के लिए मैंने चूज की है जस्ट हब की लिक्विड लिपस्टिक सॉफ्ट पिंक बेरी शेड में, काफी अच्छी लिपस्टिक है ये। इसका एक डिटेल वीडियो भी मैंने पोस्ट किया है अपने चैनल पे। थ्री लिपस्टिक का कॉम्बो था ये और सभी शेड बहुत ही ब्यूटीफुल थे और बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए थे ये। तो इनका जो डिटेल वीडियो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो साड़ी पहन ली, बिंदी लगा ली और हल्की सी ज्वेलरी पहन ली और ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।